हेलो एवरीवन, क्या आप देख सकते हैं मेरा ग्लोइंग फेस? तो आज मैं बताने वाली हूँ सॉफ्ट स्विस बाथ स्पॉन्ज ना ही नहाने पे आपकी स्किन को शाइनी करता है, डर्ट को निकालता है और डेड स्किन रिमूव करता है, बल्कि ये आपके फेस की भी डल और डेड स्किन को रिमूव करता है, जिससे आपकी स्किन टोन बेटर होता है और आपकी स्किन बिल्कुल ही एक्सफोलिएट हो जाती है। तो मैं इसको बताती हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है और क्या करना है। सबसे पहले ये बाथ स्पॉन्ज को आप अपने मनपसंद शेप में काट लीजिए। इसको छोटा कर लेंगे हम लोग, क्योंकि फेस के लिए इतना बड़ा ये बाथ स्पॉन्ज तो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये बॉडी के लिए ठीक है। तो इसको आप अपने मनपसंद शेप में काट सकते हैं। मैं इसको 4 पार्ट्स में कट करूँगी, तो जो डिज़ाइन मुझे पसंद आएगी मैं उस डिज़ाइन में इसको कट करती हूँ। ये बहुत ही ईजिली कट हो जाता है, ब्रेक नहीं होता है, बट अगर आप इसको कैचे से कट करेंगे तो ये कट हो जाएगा। अगर आप चाहें इसको ऐसे ब्रेक कर दें तो नहीं, ये वॉशिंग मशीन में भी वॉशेबल है, ये बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होता है, आप देख सकते हैं। कुछ भी करें आप इसको, ये टूटने वाला नहीं है, बट ये कैची से कट करने पे इसके टुकड़े हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ इसको एक अच्छा सा शेप देने की। आप चाहे तो इसको किसी भी अच्छे अच्छे शेप्स में कट कर सकते हैं। फिर मैं बताती हूँ इसको यूज़ कैसे करना है। इसको मैंने 4 पार्ट्स में कट कर दिया है। इसको सबसे पहले अपने फेस पे मैंने क्लींजिंग मिलकर कर लिया, जो फेशियल का पहला स्टेप होता है। फिर मैंने इसे स्क्रबर से धीरे धीरे रब करना शुरू किया, हल्के हाथ सर्कल मोशन में। ये ऐसा कलर कितना गंदा हो रहा है, ओह माय गॉड, मेरी स्किन जो भी इतनी क्लीन लग रही थी उसमें से इतनी मैल निकल रही है। मैंने फिर से स्क्रब को रब करना शुरू किया अपने फेस पे। आई विल शो यू द डिफरेंस। और ये मेरे स्किन वाला आप साफ डिफरेंस देख सकते हैं, ये जो मैंने यूज किया और ये नया वाला, और जबकि मेरी स्किन मुझे लग रहा था कि बहुत साफ है। अगेन मैंने इसको रब करना शुरू किया हल्के हाथों से, मेरी स्किन टोन अप हो रही थी। अब मैंने इसको क्लीन करने के लिए पानी में डाला, मेरे फेस का पानी भी। ये स्क्रब को एक बार क्लीन करने के बाद पानी से मैंने फिर से इसको स्क्रब करना शुरू किया आधे मिनट तक। याद रखे हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में करना है। आप नए वाले स्क्रब और इस वाले में डिफरेंस फिर से देख सकते हैं, डर्ट पूरी दिख रही है, विजिबली दिख रही है। मैंने इसको अपने फेस पे फिर से रब करना स्टार्ट किया, गर्दन पे, फेस पे, फिर से इसको वॉश करके फिर एक राउंड मैंने इसको हल्के हाथों से स्क्रब किया ताकि मेरी स्किन एकदम क्लीन हो जाए। मैंने अब खुद का फेस वॉश कर लिया है और आप बिलीव नहीं करोगे कि मुझे कितना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। रियली बहुत ही अच्छा फील हो रहा है मुझे, आप देख सकते हो मेरे स्किन, मुझे तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। तो आप भी इसको बाय कर सकते हैं अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से, इसका लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगी आपको। सॉफ्ट स्विस ये ब्रांड नेम है, तो आप इसको अमेज़ॉन से फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं डायरेक्ट। तो इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। इसको साफ़ करना भी बहुत आसान है, आराम से इसको धुलिए, निचोड़िए कपड़े की तरह और रख दीजिए, ये हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको जैसे ही आप पानी में सो करोगे फिर ये सॉफ्ट हो जाएगा, तो यूज़ ज़रूर करिएगा मेरी तरह सॉफ्ट स्किन पाने के लिए। उसका आप देख सकते हैं मेरे स्किन पे कोई भी रैश कुछ भी नहीं आया है, स्किन वैसी ही बिल्कुल सॉफ्ट सी लग रही है। तो आई एम रियली हैप्पी विद इट। थैंक यू सो मच।